आज का एपिसोड किंजल द्वारा अपना मेकअप करने और फॉर्मल ड्रेस पहनने के साथ शुरू होता है। वह राखी के शब्दों को याद करती है कि अगर वह अपने जीवन में कदम नहीं उठाती है तो वह इस दुनिया में पीछे रह जाएगी। जबकि किंजल दूर है, लीला और हसमुख तोशु को बिस्तर से गिरा हुआ पाते हैं और किंजल की अनुपस्थिति को इसका कारण मानते हैं। जब किंजल वापस आती है तो लीला उसे बाहर जाने के लिए डांटती है और तोशु के गिरने के लिए उसे दोषी ठहराती है। किंजल चुपचाप उसकी बात सुनती है। राखी हस्तक्षेप करती है, जिस तरह से उसकी बेटी के साथ सुलूक किया जा रहा है उससे नाराज हो जाती है। वह लीला पर चिल्लाती है कि किंजल उनकी नौकर नहीं है। वह कहती है कि वह अपने परिवार के लिए इतना कुछ करने के बाद अनावश्यक रूप से उनकी डांट सुनने के लायक नहीं है। इस बीच माया से निपटने के बाद अनुपमा को उम्मीद है कि शाह के यहाँ सब ठीक है। हालांकि चीजें सामान्य नहीं है, क्योंकि वनराज को तोशु के पैरालिसिस अटैक के बाद स्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है। क्या किंजल राखी की बात मान लेगी और तोशु को छोड़ देगी? क्या बरखा का ताना माया को अनुपमा से छोटी अनु और अनुज दोनों को छीनने के लिए उकसाएगा?